नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेरे चैनल पे। मेरा नाम है सैम मंडे। आज हम बात करेंगे यहाँ पे सुजलाम के बारे में बात करेंगे, जो कि अक्सर कोई यहाँ पे इस स्टॉक के बारे में अक्सर मेरे ख्याल से कोई यहाँ पे बात नहीं करना चाहता, क्योंकि ये स्टॉक ने काफ़ी हद तक काफ़ी लोगों को रुलाया। लेकिन अब ये समय बीत चुका है, अगर अब क्या थोड़ा सा इसमें थोड़ा सा अभी जान फूकने के लिए हम हाजिर है, क्योंकि अब ये स्टॉक ने काफ़ी अच्छे से मूवमेंट पकड़ी है, तो हम इस बारे में बात करेंगे। चार्ट के ऊपर भी एक अच्छा सा इसमें नज़र आ रहा है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चलिए यहाँ पे देख सकते हैं कि ये जो कंपनी है सुजलाम, यहाँ पे लिस्टिंग डेट देख सकते हैं 2005 की है। यहाँ पे हीवी इलेक्ट्रॉनिक्स इक्विपमेंट में बनाता है, जो कि मेरे ख्याल से ये सोलर एनर्जी के कुछ आसपास यहाँ पे 50 में आता है। ये काफ़ी बढ़िया कंपनी एक समय की होती थी, अब ये पेन स्टॉक में गिनती जा रही है, लेकिन ये अभी अच्छे खासे मोमेंट पे भी आ चुकी है। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि एक हम यहाँ पे एक थोड़ा सा एनालिसिस करेंगे, जो मेरे ख्याल से आपके लिए होगा। तो एक दिन का आप यहाँ पे देख सकते हैं कि एक दिन का रिटर्न किस तरीके से मिलता है यहाँ पे। तो यहाँ पे लो देखिए और हाई देखिए, दोनों ही देखिए आप। उसके बाद एक वीक का देखिए, तो एक वीक के बारे में बहुत बढ़िया आप यहाँ पे देख सकते हैं कि 1.90 पे था, अभी यहाँ पे 1 रुपये से बढ़कर अच्छा सा मोमेंट इसने पकड़ लिया है। तो अच्छी बात है कि एक वीक में इसने इतना रिटर्न दिया है, तो एक कंपनी कह सकते हैं कि हम थोड़ा सा एक रिकवर हो रही है। और एक मंथ की बात करें तो भी आपके लिए बहुत बढ़िया है। आज के दिन स्टॉक में अगर 3 से अच्छा रिटर्न मिलता है तो हमें एक मंथ में, तो हम कह सकते हैं कि बढ़िया बात है। तो इस तरीके से आप यहाँ पे देख सकते हैं। अगर एक वीयर की बात करें तो हम कह सकते हैं कि बहुत 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 थोड़ा सा इसने निगेटिव परफॉर्मेंस दिया है। यहाँ पे हाई देखिए और यहाँ पे लो देखिए, तो हम कह सकते हैं थोड़ा सा इसने अभी यहाँ पे, अगर 5 ईयर्स की बात करें तो इसने देख सकते हैं कितना निगेटिव परफॉर्मेंस दिया है। यहाँ पे कहाँ पे था शेयर्स और कहाँ पे आगे, अगर यहाँ पे बाई किया और यहाँ पे सेल किया तो लगभग आपको 17 का रिटर्न मिल जाता। अगर मैक्सिमम देखे तब देखिए, यहाँ पे अच्छी बात है आपको बताने की कोशिश की हमने कि यहाँ पे एक हाई कंपनी थी, एक दिग्गज कंपनी थी। आप यहाँ पे देख सकते इसका हाई गया था 422 गया था और लो गया था 1.55 पैसे, और यहाँ पे देख सकते कि निगेटिव में रिटर्न आ गया है। तो यहाँ पे देख सकते कि कितने सालों से गया, अगर हम यहाँ देखें तो इस तरीके से यहाँ से देख सकते हैं कि यहाँ से कंपनी अपनी इसने जो कि यहाँ से हाई बनाया था, उसके बाद यहाँ पे जो कंपनी नीचे गिरी है ये लगभग 2009 का साल है। अब इस कंपनी को गिरते हुए लगभग आप यहाँ पे देख सकते हैं कि पूरे लगभग 10-12 साल हो चुके हैं। तो हमें सिर्फ इसमें से प्रॉफिट निकालने का है, जिसने लॉस खाया तो लॉस खा सकते हैं, लेकिन शेयर मार्केट में कोई लॉस खाता है तो कोई प्रॉफिट बनाता है। तो इसलिए आप देख सकते हैं, ये चीज़ आपके ध्यान में रखनी चाहिए कि 1 महीने से 1 वीक और 1 दिन में आपको अच्छा रिटर्न इसमें मिल सकता है। तो चलिए यहाँ पे परफॉर्मेंस देख लेते हैं, थोड़ा प्रॉफिट और लॉस के बारे में बात करते हैं। तो प्रॉफिट और लॉस के बारे में तो हमें क्या बात करें, हम अभी यहाँ पे वही बात करने वाले हैं। यहाँ पे देख सकते हैं निगेटिव में इसका रिटर्न, देखिए निगेटिव में ही है जब से ये, हाँ यहाँ पे देखिए यहाँ से अच्छा सा एक रिटर्न में हमें कोशिश मिली, फिर निगेटिव, फिर निगेटिव, फिर निगेटिव, फिर निगेटिव और फिर निगेटिव, अब यहाँ पे थोड़ा सा पॉजिटिव रिटर्न आ गया। तो हम इसमें फंडामेंटली इतना स्ट्रांग या इस इनकम के बारे में इतना स्ट्रांग नहीं कह सकते। तो चलिए यहाँ पे चार्ट के ऊपर चलते हैं। चार्ट कुछ इस तरीके से कह रहा है हमें कि एक हमें, हम कह सकते हैं कि थोड़ा सा जो कि हमें मूवमेंट मिली है, तो यहाँ पे देख सकते हैं कि ये मूवमेंट है, हमें थोड़ा सा लाइन को हम यहाँ से लाइन कर देते हैं और यहाँ पे देख सकते हैं कि ये मूवमेंट है, और अगली मूवमेंट हमें यह हो सकती है कि ये पकड़े या फिर ये पकड़े, कौन सी मूवमेंट पकड़े हम कि हमें यहाँ पे मिलनी चाहिए। तो ये देखिए हमारा टारगेट वही रहेगा जो कि हम कहना चाहते हैं, कि लगभग हमारा टारगेट तो यही रहेगा कि हम 10 के आसपास ये इस जोन में हम लेना चाहते हैं ट्रेड को, या अगर बाय किया तो इस जोन में लेना चाहते हैं। क्योंकि अगर इसका स्विंग देखिए आप तो थोड़ा सा आपको समझ में आ जाएगा, तो ये देख सकते हैं कि ये जो फेस चल रहा है ये यहाँ तक ये पूरा डाउनफॉल चल रहा है, आप यहाँ पे देख सकते हैं। लेकिन ये फेस देखिए आप यहाँ से इस जगह से यहाँ तक ये फेस है, थोड़ा सा ये ऊपर जाके साइडवेज हो गया है। तो हम कह सकते हैं कि इसमें थोड़ा सा एक बात है जो हम अच्छी बात है एक कि कह सकते हैं कि इसमें ये एक बात यहाँ पे देख सकते हैं कि ये थोड़ा सा नीचे यहाँ से फिर यहाँ से इस तरीके से, तो
थोड़ी सी मूवमेंट, ये साइडवेज जोन है, हम यहाँ पे कह सकते हैं कि ये साइडवेज जोन है, लेकिन ये साइडवेज जोन से बाहर निकाले, हम कह सकते हैं कि ब्रेकआउट जोन भी हम इसे बुला सकते हैं। अगर हम छोटा सा इसे इसमें डालें तो आपको एक समझ में आ जाएगा कि ये एक यहाँ से हमें ब्रेकआउट जोन भी आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है, क्योंकि इस बॉक्स से ऊपर स्टॉक अगर जाता है तो हम कह सकते हैं कि इस इसके ऊपर जाता तो हमें टारगेट हमें 10 रुपये का हमें चाहिए इसमें, और हमें एंट्री वहीं पे लेंगे लगभग 8 के आसपास, 8-8.5 रुपये के बीच में। पैसे में यहाँ पे खेल चलता है, सब कुछ पैसे का है यहाँ पे खेल। तो अगर 10 रुपये पर भी गया आपका स्टॉक तो भी आप इसमें प्रॉफिट बना के आप एग्जिट मार सकते हैं। तो यहाँ पे चार्ट देखिए, यहाँ से थोड़ा सा ऊपर गया, फिर थोड़ा सा नीचे, फिर थोड़ा सा ऊपर, फिर थोड़ा सा नीचे, फिर थोड़ा सा ऊपर, फिर थोड़ा सा साइडवेज, फिर थोड़ा सा नीचे, फिर ऊपर, फिर साइड में, और फिर यहाँ से थोड़ा सा ऊपर। तो एक प्राइस एक्शन की बात करें तो थोड़ा सा नीचे 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 और यहाँ तक नीचे, तो कह सकते हैं कि अब यहाँ पे इस जोन में स्टॉक चल रहा है। तो हम एक थोड़ा सा एक पैटर्न देखे तो स्टॉक का यहाँ पे देख सकते हैं, थोड़ा सा नीचे नीचे, लेकिन जहाँ पे भी इसने एक इस तरीके से सपोर्ट लिया है तो स्टॉक अच्छा बढ़ा है। तो आप देख सकते हैं, अगर आपके थोड़ा सा नीचे वाले देखे स्ट्रेट को, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं जहाँ जहाँ इसने सपोर्ट लिया है तो स्टॉक थोड़ा सा आगे बढ़ता हुआ आपको दिखाई दे रहा है। तो आपको यहाँ पे दो तीन आपको यहाँ पे चीज़ें हम बताएंगे। तो यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे एक उसने मूवमेंट मारी, यहाँ पे एक मूवमेंट मारी, यहाँ पे एक मूवमेंट मारी जो कि स्टॉक बढ़ा, यहाँ पे एक मारी जिस तरीके, यहाँ पे एक इस तरीके से नहीं, ये जो चीज़ें है। और यहाँ पे ट्रेड देख सकते हैं कि आप कितना अच्छा रेगुलर ट्रेड इसमें हो रहा है, तो ये भी बात अच्छी है। यहाँ पे भी देख सकते हैं कि अच्छी मूवमेंट मारी, यहाँ पे एक अच्छी मूवमेंट और इस तरीके से एक अच्छी मूवमेंट हम एक पकड़ सकते हैं। इसमें टारगेट ज़्यादा नहीं होगा, हम 10 रुपये का टारगेट रखेंगे एक, और इसका नीचे वाला स्टॉप लॉस हम रखेंगे, लगभग आप स्टॉप लॉस रख सकते हैं, ये स्टॉप लॉस रख सकते हैं जो कि इसका ये ब्रेकआउट का नीचे वाला भाग होगा वो कितना होगा वो हम यहाँ पे देख सकते हैं कि ये मेरे ख्याल से ये अगर जोन दिखाएंगे तो आपका लगभग 7.85 पैसे का आप यहाँ पे एक स्टॉप लॉस लगा के इसमें एक ट्रेड बना सकते हैं। 10 रुपये का टारगेट, टारगेट आपका 10 रुपये का होगा जो हम यहाँ पे बना सकते हैं इसमें, 10 रुपये का टारगेट आपका 10 रुपये का होगा और SL आपका लगभग 70.85 का आपका रख सकते हैं इसमें। तो एक अच्छी चीज़ है, एक सुजलॉन कंपनी जो कि काफ़ी एक कंपनी दिग्गज कंपनी थी, अब इसमें थोड़ा सा मूवमेंट हमें दिख रहा है जो कि अच्छा मूवमेंट है, थोड़ा साइडवेज चला गया, तो हम 10 रुपये का टारगेट रख के इसमें कर चल सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। क्योंकि आने वाले दिनों में इसमें 12 रुपये का भी, इसमें लगभग 12 रुपये का भी टारगेट आपको आने वाले दिनों में दिख सकता है। तो इसमें और भी हम वीडियो इसमें बनाने की कोशिश करते हैं। तो बस आज वीडियो में इतना ही।